फाइनली मैं भूल भुलैया 3 देख लिया, सो आई डोंट नो अबाउट अदर गाइस, पर मुझे काफी अच्छा लगा। पता नहीं लोगों को क्यों बुरा लग रहा है मूवी। हाँ, उसका कॉमेडी सीन्स जो है वो आपको थोड़ा फोर्सफुली फील होता है, लेकिन चलता है इतना। सो मूवी की हर एक कैरेक्टर की बात करें, सबका एक्टिंग स्किल की बात करें, तो कार्तिक आर्यन ऑन एन एवरेज जैसा उनका एक्टिंग स्किल है, ऑन एन एवरेज जैसा स्किल है उनका, एंड ऐसा सेम परफॉर्मेंस इसमें भी दिया गया है। सो माधुरी दीक्षित बात करें तो गाली मत बक देना चलो, बट माधुरी दीक्षित बात करें उनका उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। सेम विद्या बालन की बात करें तो विद्या बालन नहीं ठीक ठाक लगा, लेकिन वो वाला फील नहीं आया जो भूल भुलैया में विद्या बालन का जो कैरेक्टर था उनका जो एक्टिंग था इसमें थोड़ा मतलब आप देख के पता कर पाएंगे, बट ओवरऑल अच्छा था काफी। इसका बेस्ट पॉइंट था उन दोनों का जो डांस सीक्वेंस था, अमित जो दिमाग भाई, थिएटर पूरा सीटी ताली से भर गया था। वो काफी मजा आया वो सीन देख के, दोनों का डांसिंग स्किल आपको पता है वो एक लीजेंड, दोनों लीजेंड है ठीक है। आनंद का जो डांसिंग स्किल है बड़े पर्दे में देखे तो भाई अलग ही होता। कुछ कुछ सीन्स अगर मूवी में नहीं होता तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे आज मैं पहले बोला हूँ उसका कॉमेडी सीन कहीं कहीं जगह पर वर्क करता है ना, कुछ कुछ जगह पर आपको फोर्सफुली लगेगा। हॉरर एलिमेंट की बात करें तो इसका हॉरर एलिमेंट इतना ज्यादा नहीं है, बट जब भी इसका हॉरर एलिमेंट स्क्रीन पे आता है तब भाई मजा आया देख के ठीक है। तो आपको फील होता है वो हॉरर थिंग्स फील होता है आपको। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा मूवी है, एंटरटेनिंग पर्पज के लिए जाओ देख के आओ, एंजॉयफुल मूवी है। आई थिंक अच्छा कलेक्शन करेगा, कुछ देर के बाद इसका जो ऑफिशियल डे वन के कलेक्शन निकल के सामने आएगा, तो मेरा प्रेडिक्शन मानो तो इसका कलेक्शन 35 करोड़ प्लस आराम से हो जाएगा। उसका जो फाइनल कलेक्शन आ जाएगा, सो देन उसके बाद उसके ऊपर एक वीडियो करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।